Welcome to online classes. I am your Sanskrit teacher Leena Sharma. आज हम पढ़ेंगे पाठ एक, कक्षा छः के लिए. पाठ एक है आपका वर्णमाला. वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह. माला मतलब समूह, वर्णों का समूह वर्णमाला. वर्ण किसे कहते हैं ये आपको समझना होगा. वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है. भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण कहलाती है और इन सभी छोटी इकाइयों का समूह वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है. वर्णों को स्वर और व्यंजनों में बांटा गया है. स्वर देखिए ए आ ई ई उ री बड़ा री ए आई ओ औ री, ये आपके स्वर हैं. इसमें से 11 स्वर हमारे अभी प्रचलित स्वर हैं, जबकि ये री और री वैदिक संस्कृत में काम में लिए जाते हैं, इसलिए हम इनको अभी नहीं बढ़ते हैं. अभी हम काउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ 11 स्वरों को ही काउंट करते हैं. देखिए 11 स्वरों को ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ. यहाँ हम स्वरों को उच्चारण की दृष्टि से तीन भागों में बांटते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत. ह्रस्व है आपका ये ए ई उ, ठीक है, और दीर्घ है ई आ उ री, ये आपके दीर्घ स्वर हैं, ठीक है. ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक पलक झपकने जितना समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो पलक झपकने जितना समय लगता है. उसके अतिरिक्त प्लुत स्वर में तीन पलक या उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है. प्लुत स्वर का इंडिकेशन आपको दिखाती हूँ मैं. ये ऐसा जो होता है, ऐसा ये क्या है आपका प्लुत स्वर का चिन्ह है. यहाँ प्लुत स्वर के लिए हम ऐसा प्रयोग करते हैं, ठीक है. स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है. जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लगती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं. स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त वर्ण. ह्रस्व कौन कौन से हैं, ए ई उ और री री, ठीक है. दीर्घ स्वर देखिए आ ई उ और री बड़ा वाला, ठीक है. संयुक्त स्वर आपके कौन से हैं, ए आई ओ औ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं. जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा अंग ए, ये स्वर के भाग नहीं है, ये अनुस्वार है, और ये अह विसर्ग है. इनको आयोग वह भी हम कहते हैं. आयोग वह क्या है, ना तो वो स्वर हैं ना वो व्यंजन है, उनका उच्चारण कुछ मध्य का सा होता है, इसलिए इन्हें हम आयोग वह भी कहते हैं. अब स्वर हम पढ़ चुके हैं. अब देखिए स्वरों के शुरू होने वाले शब्दों को हम पढ़ेंगे. स्वरों से शुरू होने वाले शब्द जैसे आ अश्व घोड़ा, आ आपण है दुकान, ई इत्रम सुगंध, ई इरनो का मोटर बोट, ऊ उपवन बाग, ऊना ऊन, री ऋषि, ए एक, आई ऐरावथाती, ओ होस्ट, औ औषधम दवाई. ये आपका स्वर उच्चारण सहित और कुछ शब्दों के उदाहरण सहित आपका हो गया. अब देखिए व्यंजन. व्यंजन क्या है, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं, जिनको बोलने लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की या स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं. व्यंजन ये गणना में 33 या 33 होते हैं. इसको हमने कैसे विभाजित किया है वो देखिए,
क वर्ग क ख ग घ ण, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, और अंतस्थ हैं य र ल व, ऊष्म श श स ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, क से लेकर प वर्ग तक आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क से लेकर प वर्ग तक आपके स्पर्श व्यंजन हैं। उसके बाद दूसरा है अंतस्थ और तीसरा आपका भाग है ऊष्म। इनको हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को विभाजित किया है। स्पर्श व्यंजन क्या है आज हम वो देखते हैं। स्पर्श व्यंजन है जहाँ आपकी जिह्वा स्पर्श करती है या मुंह से निकलने वाली हवा जिह्वा स्पर्श करती है, वो वाली जगह आपके स्पर्श व्यंजनों की होती है। जैसे आप देखेंगे क वर्ग है, यहाँ सब जगह हलंत लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है ये देखो, क व्यंजन हमेशा किसी ना किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो यहाँ का कंप्लीट करने के लिए या इसको पूर्ण करने के लिए हमेशा हमें स्वर की आवश्यकता होती है, तो क हलंत आ और क पूर्ण होगा, ख हलंत और आ ख पूर्ण होगा। तो ये हलंत इनको व्यंजन को शुद्ध रूप से लिखने के लिए लगाया गया है। अब हम देखेंगे कि स्पर्श के आधार पर ये पांच वर्ग हैं, क च ट त प वर्ग, ठीक है। क वर्ग कहाँ से बोला जाता है ये हम देखते हैं। क वर्ग बोलने में क ख ग घ न बोलने में क्या होता है, यहाँ देखिए जिह्वा मूल जो जीभ के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ आपको वाइब्रेशन या कंपन महसूस होता है। तो ये वाला जो क वर्ग है, क वर्ग इन पांच वर्णों का व्यंजनों का समूह क वर्ग कहलाता है। क वर्ग कंठ के द्वारा बोला जाता है। फिर आ जाइए च वर्ग, च छ उच्चारण कीजिए, च छ ज झ न, ये च छ ज झ ञ, ये उच्चारण स्थान इस वर्ग का तालु है, तालु से बोला जाता है। अब देखेंगे तालु कहते किसे हैं, तालु जो आपके मुंह के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम तालु कहते हैं। तो तालु में जहाँ टच हो रही है, जीव आपकी टच हो रही है वहाँ तालु, च छ ज झ ञ, तो ये आपका तालु वर्ग है। क कंठ, च तालु। अब आ जाइए आप ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ये वाला वर्ग आपका मूर्धा से बोला जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मूर्धा किसे कहते हैं, तो मूर्धा आपके दांतों के पास जो हार्ड सरफेस है जहाँ टच हो रही है जीभ आपकी, ट ठ ड ढ ण बोलने में वो मूर्धा है। दांतों के पास जो हार्ड सरफेस है आपका दांतों के जस्ट नीचे वाला उसे हम मूर्धा कहते हैं। तो ट ठ ड ढ ण ये आपके मूर्धा के स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, कंठ है, तालु और तालव्य और मूर्धन्य, ये तीनों वर्ग हमने पढ़ लिए हैं। अब चलेंगे हम त वर्ग, त थ द ध न। त थ उच्चारण करते समय हमको पता चलता है कि ये दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, दांतों पर जीभ स्पर्श करती है, इसलिए इनको दंते वर्ग कहा गया है। दांतों पर जीभ के स्पर्श करने से ही त वर्ग का उच्चारण होता है।
फिर आप देखेंगे प वर्ग, प फ ब भ म। प वर्ग का उच्चारण करते समय हमारे होंठ आपस में मिलते हैं और उससे हमको क्या पता चलता है कि प वर्ग का उच्चारण होठों की सहायता से किया जाता है। अब दोबारा देखिए, आप यहाँ से चलेंगे क वर्ग कंठ्य, च वर्ग तालु, फिर ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत्य और प वर्ग ओष्ठ। ये पांचों वर्ग आपके कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। वही सीक्वेंस यहाँ से चलेंगे, कंठ तालु मूर्धा दंत्य और होठ, ठीक है। फिर आप आ गए आप अंतस्थ व्यंजनों पे। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण अंत्यकरण से किया जाता है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंत्यकरण से किया जाता है य, र, ल, व। आप उच्चारण करके देखिए तो ये अंत्यकरण से किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। अब इनके उच्चारण स्थान हम देखेंगे तो ये है वो तालु की तरह बोला जाता है, च, छ, ज, ज, य, य। तो ये क्या है? तालव्य है। फिर है र, र है आपका मूर्धा की तरह बोला जाएगा, ट, ठ, ड, ड, ण। तो ये मूर्धा से बोला जाता है रे आपका, तो र। फिर ल, ले आपका दांत की सहायता से बोला जाता है, तो आप देखिए दंत्य वर्ग त, थ, द, ध, न, और ल दंत्य है, ठीक है। तो व है, व आप उच्चारण करके देखो, दांत और होठों की सहायता से बोला जाता है, तो ये क्या है? दंतोष्ठ, दांत और होठ दोनों को मिला के दंतोष्ठ उच्चारण होता है। फिर आप आ जाइए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऊष्म व्यंजन ये तीनों शय और है। ये ऊष्म व्यंजन कैसे हैं? जिनके उच्चारण से मुख गुहा में ऊष्मा बनती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स है, आप उच्चारित करके देखिए मुख गुहा में गर्म हवा बनती है उसे ऊष्मा कहते हैं। तो ये ऊष्म व्यंजन है, श, श, स, ह। अब इनके उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। शय तालव्य की तरह बोला जाता है, च, छ, श, तालु से बोले जाने वाला शब्द। फिर श, षटकोण वाला जो है श, वो ट मूर्धा की तरह बोला जाता है, ट, ठ, ड, श, ये मूर्धा, मूर्धा से बोले जाने वाला शब्द। फिर स, सब्जी, ये दंत से बोले जाने वाला है, त, थ, द, ध, न, स, दंत, दंते शब्द है, ठीक है। फिर हा, हा कंठ की तरह बोले जाने वाला वर्ण है, क, ख, ग, व, ण, ये क्या है? ह, ह कंठ वर्ण है। आपने इन सब व्यंजनों का उच्चारण स्थान समझ लिया है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे घ, घंटी का, घड़ी, च, चंद्र, चांद, फिर है दुग्धम, दूध, पुष्पम, पुष्प, फूल, और सेवम, सेव। अंग और एह क्या है? आपके आयोगव्यय होते हैं। जो वर्ण ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं उसके बीच के स्थान पर इनका उच्चारण होता है तो उन्हें हम आयोगव्यय कहते हैं। ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ये आयोगव्यय शब्द कहलाते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों को मिलाकर जो नया व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श किस किस को मिलाकर बनता है? क और श हलन, ये बना आपका संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन क श फित्र त प्लस र को बनाकर बना त्र ये ज और या को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बना श श्रवण, ये बना आपका श और र को मिलाकर आपका संयुक्त व्यंजन श्र श्रवण बनता है। ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। उसके बाद व्यंजनों को स्वरों से अलग करने की प्रक्रिया आपकी वर्ण वियोजन प्रक्रिया कहलाती है, जहाँ क म ल तो क हलंत आ, म हलंत आ और ल हलंत आ, इनको हमने अलग अलग किया तो ये आपकी क्या प्रक्रिया कहलाई, वर्ण वियोजन प्रक्रिया कहलाई। जबकि वर्णों को जोड़ने की प्रक्रिया आपकी वर्ण संयोजन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे धनम, ठीक है, तो ध ध आ न आ और म हलंत, इनको हमने जोड़कर धनम बनाया तो ये आपकी वर्ण संयोजन प्रक्रिया कहलाती है।